अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX Mentor। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं लेकर आ गया हूँ ग्राफिक डिजाइन थ्योरीज की क्लास नंबर 4। और आज हम क्या देखेंगे, हमारा जो विजुअल एलिमेंट्स है ग्राफिक्स के उसका पार्ट नंबर 3। और उसमें क्या है आज, टेक्सचर। सो पहले हम देख चुके हैं लाइन, फिर देन हमने देखा था शेप्स और आज हम देख रहे हैं टेक्सचर्स। टेक्सचर्स क्या होते हैं, मैं आपको वैसे पहले थोड़ा सा वर्बली बता दूं। टेक्सचर्स देखे हमारे पास दो तरह के होते हैं मोस्टली, पैटर्न टेक्सचर एंड आपका इमेज टेक्सचर। नाउ पैटर्न टेक्सचर वो होते हैं जो कि यूजुअली हम अपने जो आप लोगों ने स्वाचेस में देखा था, पैटर्न्स आप लोगों ने बनाए थे गिफ्ट रैपर्स वगैरह पर, जिस तरह से होते हैं रिपीटेडली टाइल्स टाइप की चीज होती है, राइट। दूसरे जो होते हैं वो इमेज टेक्सचर्स होते हैं। इमेज टेक्सचर्स क्या होते हैं, जैसे हमने आपको याद होगा हमने एक वेक्टर टेक्सचर बनाया था ग्रंज वाला, जो हमने मैंने तस्वीर लेकर के आपको दिखाया था बनाकर, या उसके लिहाज उसके अलावा हम बाकायदा इमेज के टेक्सचर्स भी ले सकते हैं, लाइक वुड ग्रेन हो गया या लेदर हो गया या पेपर हो गया, इस तरह की चीजें। और इस तरह की कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं। एक और चीज होती है सरफेस, लाइक सरफेस क्या होती है कि हम कुछ एलिमेंट्स इस तरह से बनाते हैं कि वो देखने में समटाइम्स वुड लग रहे हो या समटाइम्स प्लास्टिक लग रहे हो या जेली लग रहे हो या ग्लॉसी सा, वो खैर वो आपको मैं एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा। तो ये जो सरफेस वाले टेक्सचर होते हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन हैं यही इमेज टेक्सचर्स ही हैं, लेकिन ये हम खुद क्रिएट कर रहे होते हैं, राइट। तो आइए मैं आप लोगों को कुछ इमेजेस दिखाता हूँ जिससे आप लोगों को कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी, जिसमें बहुत अच्छा यूज है पैटर्न्स का और टेक्सचर्स का, और या तो हम सरफेस अगर किसी की बना रहे होते हैं तो वो किस तरह से बनेगी। सो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को कुछ पैटर्न्स। नाउ पैटर्न्स देखें, समटाइम्स ब्रांड जो है बहुत अच्छा उसका यूज कर रहे होते हैं। मैं एक बड़ा सिंपल सा एक पैटर्न आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि लाइक ये एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है लुई विटों एंड लुई विटों LV एंड इनका ये एक जो पैटर्न है ये बहुत पॉपुलर है। नाउ कितना पॉपुलर है कि ये अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी बहुत भरपूर अंदाज में यूज कर रहे होते हैं। लाइक देखें, ये एक इनका हैंडबैग है और इसके जो लेदर है उसके ऊपर भी ये इंग्रेव्ड हुआ हुआ है, प्लस अंदर जो लाइनिंग है उसके अंदर भी यही पैटर्न प्रिंट हुआ हुआ है। सो यस, एक अच्छा ब्रांड जो है, बहुत सारे ब्रांड्स जो है अपना मखसूस पैटर्न्स बना रहे होते हैं, राइट। नाउ बजाहिर देखने में वो स्वाचेस में जो हमने बनाया था वो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि सर इन पैटर्न स्वाचेस का हम क्या करेंगे, कहाँ यूज करेंगे। तो यस, अगर थोड़ा सा क्रिएटिवली सोचें तो ये बहुत अच्छे से यूज किए जा सकते हैं। सो यस, ये अगर फ्लैट पैटर्न मैं आपको दिखाऊं तो लुई विटों का ये है। एक और एग्जाम्पल मैं दिखा दूं इसी की, लुई विटों की, ये देख लें। ये यूजली आपके जो लाइक लेदर के अंदर पंच किया हुआ होता है और बड़ा डिसेंट सा, बड़ा एक्सेलेंट सा लग रहा होता है, क्योंकि ये देखें, अब ये पैटर्न जब भी हम देखते हैं तो एक इनका ब्रांड दिमाग में आता है, राइट। वही जो मैंने जिस तरह से बताया था कि बहुत सारे ब्रांड्स अपने कुछ पैटर्न्स बना लेते हैं, और जैसे ये एक ब्रांडिंग है सुमात्रा, बड़ा सिंपल सा लोगो है इनका और इन्होंने कुछ डिफाइन किए हुए हैं अपने ब्रांड के पैटर्न्स। और नाउ अगर आप गौर से देखें तो आपको बड़ा अर्थी सा और वाइल्ड लाइफ सा दिख रहा है। सो अफ्रीका दिमाग में आता है फौरन, ये जीब्रा का पैटर्न है, ये कुछ सॉइल का है, ये स्टोन्स का है, एंड यस इस तरह के पैटर्न्स आप देखें इन्होंने कितना भरपूर तरीके से यूज किया गया है। इन्होंने लाइक अपने बिजनेस कार्ड्स पर पीछे ये प्रिंट करा है रैंडमली। सो यस, दिस इज अ गुड आइडिया के नाउ देखें ये चीजें आप लोगों को पता होंगी तो फिर आप यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड या दीज आर अमेजिंग अमेजिंग डिजाइन, बहुत अच्छे से डिजाइन मुझे लगा था। सो यस, ये देखें एक ये है, जैसे आई डोंट नो क्या है, ये ब्रोशर है या वट एवर जो भी है, बट थिंग इज दैट देखें पैटर्न्स का यूजेज अगर हम डिफाइन कर लें अपने ब्रांड के पैटर्न्स, ये इवन देखें ब्रांडिंग इन्होंने अपनी गाड़ी पर भी की हुई है एंड लेटर हेड की बैक साइड पर, एनवेलप के अंदर, ये सारी चीजें अगर एक साथ होती हैं तो बहुत ही एक्सेलेंट लग रहा होता है, राइट। सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, दिस इज अगेन गुड एग्जांपल फॉर अ पोस्टर। ये पोस्टर है और इसमें अगर आप देखें तो थोड़ी थोड़ी जगहों पर इन्होंने ये पैटर्न्स यूज किए गए, राइट। एंड नेक्स्ट अगेन ब्रांडिंग के लिए यूज हुआ है पैटर्न, और
सी दिस, इन्होंने बड़ा सिंपल सा ये एक इस तरह का zigzag पैटर्न बनाया हुआ है और इट्स अ गुड आइडिया। ये देखें आप लोगों को मैं ही क्लासेस में यही चाह रहा हूँ कि जो शायद आप लोगों से नहीं हो पा रहा है कि हाउ टू स्टडी अ डिजाइन, वो मैं करवा रहा हूँ कि जी देखें ब्रांड्स में, ब्रांडिंग में पैटर्न्स भी यूज किए जा सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब कभी आप कुछ डिजाइन कर रहे हो तो एक बार सोचिएगा जरूर कि कुछ अच्छा सा डिसेंट सा पैटर्न अगर हम बना लें तो वो बड़ी अच्छी सी एक प्रोडक्ट डिजाइन हो जाती है, राइट? ओके, ये एक और एग्जाम्पल है पैटर्न की, ये तो आप देख चुके हो ना। एक और चीज, ये अगेन ब्रांडिंग के अंदर कुछ पैटर्न्स इस तरह से डिफाइन हुए हैं। मैं अगर इसको ऊपर से दिखाऊं आप लोगों को, सी दिस, दिस इज देयर लोगो और ये कुछ पैटर्न्स डिफाइन किए गए हैं, लाइक बड़ा सिंपल से हैं और ये डिफरेंट प्लेसेस पर यूज होने। सो लाइक अगर ये देखें बैक साइड पर, यहाँ पर ये यूज हुए हैं, राइट? एंड सिमिलरली यस, बैक साइड्स पर या कुछ ऐसी जगह होती है जहां जो हल्का सा पीक कर रहा हो, थोड़ा सा दिख रहा हो हल्का सा अंदर से कहीं से, सो वहां पे ये बड़ा अच्छा यूसेज आ जाता है पैटर्न्स का, राइट? सो नेक्स्ट एग्जांपल, एक और फिर ब्रांडिंग में पैटर्न। सो मुझसे जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर हमने ये पैटर्न स्वॉचेस बनाए इनका सही यूसेज क्या है, तो ये आपके सामने है। बहुत सारे लोग देखें, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, जितना क्लीन डिजाइन है और उसके लिहाज से ये बड़ा एक्सलेंट लग रहा होता है। सी इवन इन्होंने अपने स्टोर की ब्रांडिंग भी इसी तरह से की हुई है, राइट? एक और एग्जांपल ब्रांडिंग की, फिर से पैटर्न, सी दिस, ये पैटर्न्स देखें। इन पैटर्न्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जब हम देखते हैं तो हमें वो ब्रांड रिकॉल होने लगता है। सो अब ये वाले पैटर्न्स जब भी आप देखेंगे तो आपको ये डिजाइन याद आ रहा होगा, राइट? ऑलराइट, सो ये थे आपके पैटर्न्स, पैटर्न टेक्सचर्स। नाउ पैटर्न टेक्सचर्स अब आपके सामने है कि किस तरह से यूज किए जा सकते हैं, राइट? और ये पैटर्न टेक्सचर्स आप बहुत आसानी से स्वॉचेस के थ्रू बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी स्वॉचेस वाली क्लास नहीं देखी है तो मैं कहूंगा कि यहाँ ऊपर फिर मैंने लिंक दे दिया है और उसको देख लीजिएगा, पैटर्न स्वॉचेस किस तरह से बनाए जाएंगे, राइट? ऑलराइट, सो नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्सचर है, दैट इज इमेज टेक्सचर्स। नाउ इमेज टेक्सचर्स बहुत ज्यादा वेबसाइट्स में या ऑन स्क्रीन जो चीजें होती हैं उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। फॉर एग्जांपल, ये एक वेबसाइट का डिजाइन है, अगर आप गौर से देखें तो इसमें बजाहिर यहाँ पे तो आपको कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ अगर नीचे देखें ये वाइट पोर्शन जैसे ये फेड हो रहा है। सो पैटर्न के थ्रू, इमेज पैटर्न के या इमेज टेक्सचर के थ्रू, मैं पैटर्न सॉरी बार बार बोल रहा हूँ, ये टेक्सचर है, इमेज टेक्सचर के थ्रू इन्होंने देखें मास्किंग की गई है या, और अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए तो यहाँ देखें ये रहा आपका बड़ा वॉटर कलर वाला इफेक्ट आ रहा है, राइट? एंड यहाँ पीछे अगर देखें तो ये थोड़ा सा लेदर टाइप का या पेपर टाइप का, बल्कि लेदर ही कहूंगा क्योंकि यहाँ अगर गौर से देखें तो ये डिविजन्स भी इन्होंने स्टिचिंग के थ्रू दिखाए। सो यस, इट्स एन एक्सीलेंट आइडिया कि जो इमेज टेक्सचर्स होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड्स में, और बट थोड़ा सटल रखिएगा, बहुत ज्यादा लाउड टेक्सचर्स जो होते हैं बड़ा अजीब से लगते हैं। ये एक और अगर आप देखें डिजाइन, इसमें जो बैकग्राउंड है वो बड़ा पेपर नुमा टेक्सचर लग रहा है। यस, ये सारे याद रखिएगा, ये इमेज टेक्सचर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, सही है? तो समटाइम्स यस वुड भी यूज की जा सकती है। ओके, एक और चीज, ये यूजुअली लाइक ये जो चीज मैं इस वक्त दिखा रहा हूँ, स्क्यूमॉर्फिक डिजाइन्स जो होते थे, लाइक एप्पल मोबाइल फोन्स जो, यानी आईफोन्स जो हैं, उसमें आजकल तो अब फ्लैट डिजाइन है, लेकिन अगर आप पीछे के थोड़ा सा डिजाइन्स देखें उसमें फ्लैट डिजाइन्स नहीं थे, स्क्यूमॉर्फिक डिजाइन्स थे। नाउ स्क्यूमॉर्फिक डिजाइन्स क्या होते हैं, जिसमें आपको बकायदा थ्री डायमेंशनल और बहुत ज्यादा रियलिस्टिक मटेरियल्स दिखना शुरू हो जाते हैं, राइट? सो ये वुडन टेक्सचर्स बहुत ज्यादा यूज होते थे। इनफैक्ट जो आईफोन का जो आइकन्स होते थे वो ऐसा लगता था कि किसी शेल्फ के ऊपर रखे गए। एंड यस, ये स्क्यूमॉर्फिक डिजाइन्स में बहुत ज्यादा इस तरह से इमेज टेक्सचर्स यूज किए जाते थे, राइट? नाउ नेक्स्ट अगर देखें, दिस इज अमेजिंग, ये बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। अगर आप गौर से देखें, पहली बात ये एक वेबसाइट का डिजाइन है, सो बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो यहाँ पर इमेज टेक्सचर बोर्ड का रखा हुआ है। सो ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये एक रेसिपी बुक टाइप की वेबसाइट है,
एंड अगर आप इसको मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो और से देखें यहाँ पर इवन अल्फाबेट्स के अंदर लाइक जैसे बी है तो ब्रेड का बना हुआ है, आई डोंट नो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का पैटर्न टेक्सचर्स यूज किए गए हैं, यहाँ पे नूडल्स हैं, ये आई गेस चीज है राइट, आई डोंट नो ये शायद राइस है। सो कहने का मकसद ये कि ये इमेज टेक्सचर्स भी थोड़ा सा लाइफ ऐड कर देते हैं आपके काम में। यहाँ अगर आप देखें तो बैकग्राउंड में पूरा वुडन टेक्सचर यूज हुआ हुआ है राइट। नाउ आजकल थोड़ा सा इस चीज का ट्रेंड थोड़ा सा कम हो गया, फ्लैट डिजाइन ज्यादा हैं, बट यस आप लोगों को डिजाइन की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, याद रखिएगा हो सकता है कि आगे चल के फिर ये चीजें इन हो जाएं, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होंगी राइट। नाउ दिस इज अगेन अनदर एग्जाम्पल ऑफ इमेज टेक्सचर, ये अगर आप गौर से देखें तो ये स्प्लैटर्स जो यूज हुए हैं पीछे ये भी इमेज टेक्सचर्स ही हैं राइट। ओके अनदर एग्जाम्पल ऑफ इमेज टेक्सचर, अगर इसमें बैकग्राउंड देखें तो लेदर, सो यस इट्स शू वेबसाइट और शू ब्रांड जो है उसकी पूरी ब्रांडिंग इन्होंने इस तरह से की कि जो बैकग्राउंड है वो पूरा लेदर पे किया हुआ है। अगेन अनदर गुड एग्जाम्पल ऑफ इमेज टेक्सचर, अगर यहां देखें तो ये वुड है राइट। ओके नेक्स्ट ये कुछ वॉटर कलर के स्प्लैटर्स हैं या वॉटर कलर के ये स्प्लैशेस इस तरह के बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं कुछ डिजाइन में, ये भी एक अच्छी एग्जाम्पल है। सो इस तरह के जो स्प्लैटर्स हैं या जो भी चीज है ये क्या कहूंगा मैं इसको टेक्सचर्स हैं, ये बनाने के लिए फिर मैं आपसे कहूंगा कि आपको इलस्ट्रेटर की जरूरत नहीं है, आप सिंपली या इवन फोटोशॉप की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली रियल चीज करें, एक पेपर लें, पेपर को थोड़ा सा गीला कर लें, मतलब वाटर जो स्प्रे बॉटल होती है इससे पानी स्प्रे कर लें, उस पर थोड़ा सा वेट हो जाएगा। अब आप अगर थोड़ा थोड़ा सा वाटर कलर थोड़ा सा फैलाना शुरू करें तो आपके सामने ये बड़ी मजेदार सी चीजें इस तरह की बनना शुरू हो जाती है राइट। दैट्स इट। सो ये थे आपके इमेज टेक्सचर्स एंड जो पिछला हमने देखा दैट वाज पैटर्न टेक्सचर्स जो यूजुअली वेक्टर बनाए जाते हैं, इमेज टेक्सचर्स रास्टर होते हैं एंड यस ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है ठीक है। सो एक और चीज जो मैंने आपसे कही थी कि सरफेस, अब सरफेस से मुराद क्या है मैं अगर आपको ये दिखाऊं इस तरह के, आपने कई जगह पर चीजें देखी होंगी बड़े ग्लॉसी सी, समटाइम्स 3D सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनमें ये बनाए जाते हैं लाइक 3D मैक्स वगैरह या इवन फोटोशॉप पर भी बनाया जा सकता है, समटाइम्स ये इस तरह की शाइन वगैरह फोटोशॉप पर भी क्रिएट की जा सकती है एंड समटाइम्स ये इलस्ट्रेटर पर भी क्रिएट की जा सकती है सही है। सो एक और एग्जाम्पल इस तरह के बहुत सारे गेम्स में आपने बटन देखे होंगे, अब देखें ये बड़ा सिंपल सा आपको वुडन लग रहा है, ये क्रिस्टल लग रहा है, यहाँ साइड में स्टोन आया हुआ है, ये जो मैं सरफेस टेक्सचर्स की बात कर रहा हूँ ये चीज है कि आप मटेरियल बता रहे होते हैं कि आया जो चीज आपकी बनी हुई वो रबर है या ग्लास है या वट एवर जो भी है। तो इसी तरह का ये देखें ये एक ऐप आइकन है, यहाँ बीच में आपको कैंडी दिख रही है एंड पीछे थोड़ा सा वुडन सा आई डोंट नो कैरामल टाइप का लग रहा है और ये ऊपर जेली दिख रही है। सो यस ये टेक्सचर्स जो है ये बनाए गए हैं, ये मैनमेड है और सरफेस स्ट्रक्चर में इनको नाम दे रहा हूं एंड गेम्स में बेतहाशा यूज होते हैं। सो अगर ये देखें ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की एग्जांपल है, अगर और से देखें यहाँ देखें ये लीगो का जो ब्लॉक है और ये एक बॉक्स है एंड सी आपको बहुत आसानी से फील हो रहा है कि यस प्लास्टिक है या कोई चीज मेटल है, ये देखें क्लाउड बना हुआ है, ये वुड है, ये आइस है एंड ये सारे सरफेस टेक्सचर्स हैं जो कि हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं राइट। यूजुअली ये पेंट किए हुए हैं आपके सामने जो देख रहे हैं, ये फोटोशॉप का काम है, इलस्ट्रेटर पर ये बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, आई डोंट नो बनाने वाले बना लेते हैं लेकिन मुझे ये चीजें फोटोशॉप पे करने में ज्यादा आसानी फील होती है राइट। सो यस कभी इस पर भी डिस्कस करेंगे, इस पर भी हम देखेंगे काम किस तरह से हो सकता है राइट। सो आई बिलीव आप लोगों को ये टेक्सचर्स समझ आए होंगे और अब आप जब अपना काम करेंगे तो आपके दिमाग में अगेन कुछ और आइडियाज आ गए हैं, लाइंस का यूज आपको पता चल गया है, आपको शेप्स पता चल गए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव शेप्स होते हैं एंड आपको ज्योमेट्रिकल डिजाइन वगैरह भी बनाने का मैंने कहा था मुझे बहुत कम लोगों ने दिखाया लेकिन अब आप लोगों को टेक्सचर्स भी दिख गए हैं सही है। सो देखें ग्रेजुअली आपके नॉलेज में इजाफा होता जा रहा है और आई बिलीव अब आप लोगों के काम में भी वो सारी चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी क्योंकि अब आप लोगों के पास आइडियाज हैं कि हम क्या क्या यूज कर सकते हैं राइट। सो आई होप आप लोगों को ये क्लास भी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।